गया में पहली बार एक मां ने अपनी शादीशुदा बेटी को मुख्य अग्नि दी। आपको बता दें कि मोक्ष नगरी गया जी के विष्णुपद स्थित शमशान घाट पर दिल्ली में रहने वाली सावित्री देवी ने देर शाम अपनी बेटी सपना को मुख्य अग्नि दी। बेटी के ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर दी थी। उसकी 3 साल की बेटी रस्म पूरा नहीं कर सकती थी तो माँ ने जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि सपना के पिता की मृत्यु 8 साल पहले ही हो चुकी थी। उसकी माँ ने उसकी शादी करवाई थी। मामला विष्णुपद थाना क्षेत्र के चांद चौरा मोहल्ले के रहने वाले हेमंत चौधरी उर्फ डब्बू चौधरी की शादी 6 साल पहले सपना चौधरी से हुई थी। सपना की मौत गुरुवार को हुई थी। पुलिस ने उसके शव को हेमंत के घर से बरामद किया था। आपको बता दें कि सपना के गले में गहरे नीले निशान थे और बदन पर कई चोटों के निशान भी थे। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच एक दूसरे की केयर ना करने और मायके वालों के हस्ताक्षेप को लेकर बीते 2 वर्षों से अनबन चल रही थी। सपना की मौत के समय उसकी 3 साल की बच्ची दूसरे कमरे में सो रही थी, तो वहीं सावित्री देवी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दामाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इस बीच दिल्ली से मृतका की मां सावित्री देवी भी गया पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।